तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर एवं मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर की मेरे समस्त परिवार को आज मैं इस मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से पुनः संबोधित कर रही हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज हम लोग कितने परेशान हो गए हैं। धीरे धीरे जब हम अखबार की न्यूज़ हम पढ़ते हैं, हम न्यूज़ चैनल्स पर हम देखते हैं और कोविड महामारी की जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिगर्स आती हैं, मुझे मालूम है कि बहुत से हमारे छात्र छात्राएं, हमारे बहुत से शिक्षकगण, हमारे बहुत से परिवार के अन्य सदस्य चिंतित हो जाते हैं कि हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, कैसे हम इस बीमारी से बाहर निकल पाएंगे। मेरा आप सभी से ये एक अनुरोध है कि हम इस समय अपनी सोच को सकारात्मक करें। हम ये ना सोचें कि आज हमारे देश में कितने लोग मरे, आज हमारे देश में कितने लोग ग्रसित हुए। आज हम इसको दूसरी तरफ से भी हम सोच सकते हैं कि जितने ग्रसित हुए थे उनमें से हमारे कितने लोग बच गए। जो संक्रमण रेट है, मान लीजिए हम भागलपुर की बात करते हैं, करीब करीब 10 या 11% अगर हमारी पॉपुलेशन या हमारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं तो हमारे 90% टेस्ट नेगेटिव भी तो आ रहे हैं। यदि हम बात करें कि कुछ लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है, आज मैं अपने अखबार में बहुत पढ़ा होगा कि हर एक त्राही त्राही मची हुई है कि ऑक्सीजन का सिलेंडर, और आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग सिर्फ ऑक्सीजन का सिलेंडर रखने के लिए कि कहीं कल हमें आवश्यकता ना पड़े, वो लोग अपने पास इन ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को रखने का प्रयास कर रहे हैं। कितने लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है? मात्र 1%। तो इसीलिए हम अपनी सोच को इस समय सकारात्मक रखें और हम ऐसी न्यूज़ को बार बार उन्हीं न्यूज़ चैनल्स पर या व्हाट्सएप के हमारे पास जो मैसेज आते हैं कि इतनी हमारी कैजुअलिटीज हुई या इतने हमारे केसेस हुए, लेट अस ओवरकम ऑल दीज, लेट अस मेक आवर थॉट पॉजिटिव, लेट अस ट्राई टू रीड गुड बुक्स, हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, हम अपने आप को ऐसे कामों में हम डाइवर्ट करें जो हम किसी समय यदि हम छात्र थे हमें ऐसा लगता था कि हमें पढ़ने से कैसे हमें मुक्ति मिलेगी, हमारी कुछ हॉबीज हैं हम कैसे करेंगे, कुछ वर्किंग वीमेन हैं जो दिन रात काम में लगी रहती थी उन्हें समय नहीं मिल पाता था, कुछ रिसर्चर्स थे वो टीचिंग में लगे रहते थे, सोचते थे कि मैं शोध पत्र कब लिखूंगा। मैं कहूँगी ये सबसे अच्छा समय है, आप अपने इस समय को सदुपयोग कीजिए, अच्छे अच्छे कामों में लगाइए और समाज को इस तरह से मदद कीजिए कि जो लोग भी पीड़ित लोग हैं हम कैसे उनको हम बचा सकें। और जो भारत सरकार कहती है सिर्फ 3 बिंदु ही तो वो कह रही है, हम में से कितने हैं कि इसको हम फॉलो करते हैं? बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला है कि आप हमेशा मास्क पहन के रहिए, स्पेशली जब आप किसी के पास हैं और उनसे बातें कर रहे हैं या एक से ज़्यादा लोग आपके कमरे में हैं तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। मास्क भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोग पहन लेते हैं और क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया मास्क को नीचे उतार दिया। तो जब आप बोलेंगे, अगर कोई इन्फेक्टेड आदमी है तो आपको सभी को मालूम है ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से ये स्प्रेड हो रहा है, तो हमें क्या करना है कि मास्क इस तरह से पहनना है सिर्फ नाक के ऊपर तक हमारा ये मास्क होना चाहिए, आँख के नीचे तक होना चाहिए जिससे हमें ऊपर से दिखता रहे और हमारे नाक की सांस या हमारे मुंह से भी यदि कोई ड्रॉपलेट्स निकले तो वो दूसरे आदमी तक ना जाए, इसी तरह से जो दूसरा आदमी पहने हुए है उसकी ड्रॉपलेट्स हमारे पास ना आए। दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो है 2 गज की दूरी। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? क्या हम लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर हम नहीं रह सकते हैं? ये भी एक बहुत सिंपल सा काम है। और तीसरा काम ये है कि हम निरंतर अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, और सैनिटाइज से भी अच्छा है कि आप साबुन से हाथ धोते रहें। तो यदि आप 1-1 घंटे में अपना हाथ धोते रहें, ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तीनों इतने सिंपल काम हैं, यदि हम इतने सिंपल काम को करते रहेंगे तो एक आपके मन में अंदर से एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि हम सुरक्षित हैं। और इसी के साथ आप और भी बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत से लोग काढ़ा पी रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं उसके साथ, और नींबू पानी ले रहे हैं, हर तरह की चीज़ें ले रहे हैं जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बन सके। मैं कहूँगी कि ये एक चैलेंज ज़रूर है आज के टाइम में, लेकिन ये चैलेंज कितना अच्छा अवसर बन गया है कि हम लोगों ने सबका हमारा ज्ञान इस पीरियड में बहुत बढ़ा है। और ये पहला अवसर तो नहीं है, पिछले साल भी हम इस बीमारी से ग्रसित हुए थे, हम उसे निकल आए, तो क्या हम इस बार भी नहीं निकल के आ सकते हैं? वायरस बहुत छोटा है, हम बहुत बड़े हैं, हमारे पास हम बुद्धिजीवी हैं,
हम अपने दिमाग से, हम अपने कर्मों से इस वायरस पर अवश्य फतह पाएंगे। इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। मुझे पूरी आशा है, आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि इस बीमारी से लड़ने की हम सब में क्षमता हो और हम इस बीमारी से निकल कर आएंगे, अवश्य आएंगे। वी कैन एंड वी विल। थैंक यू।